नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो शुद्धात्मानेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्नकुन्नाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नम्योऽणगिणं वीरं अनन्तवर्णानदंशनसहावं मोक्षामनीयं सारं केवलसद्केवलीभेदम्। होने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती, उसका ज्ञान सरधान होना चाहिए। आत्मा मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मा का सद्धान ज्ञान आचरण मोक्ष मार्ग। आत्मा तो है अनादि अनंत, निगोद दशा में भी है आत्मा, कहां गया? लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं। आत्मा तो है, फिर दुखी क्यों कि आत्मा का ज्ञान नहीं? सुख के लिए आत्मा नहीं, आत्मा का ज्ञान चाहिए। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। ज्ञान है, होने से क्या मतलब? तुम्हारे घर में माने खजाना है तो है, तुम्हें तो ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान के बिना तो उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी नहीं होता। आत्मा है लेकिन आत्मा की प्राप्ति का अनुभूति का कोई प्रयत्न भी नहीं होता। मोही जीवो कोई उनसे कहता है आत्मा है, होगा होगा, विश्वास नहीं आता। आत्मा नहीं है इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं। आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी है। आत्मा आनंदमय है फिर भी दुखी क्यों है? आत्मा आनंदमय है परंतु आत्मा का ज्ञान नहीं है। मां भोजन बनाकर के रख गई अलमारी में और चली गई किसी कार्यवाह, सोची आकर के देख लेगा लड़का और ले लेगा। अब उसने न देखा न हुआ, अब कुड़ 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 करा और आई मां सो। गुस्सा का तो अधिकार है ना सबको। अरे अधिकार नहीं है, धिक्कार है। गुस्सा आ जाना ये धिक्कार पने की बात है। देख चाम ताम चतम च मदनम च इमाम च माम च बताओ गे? देखता हूं उसे धिक्कार है। देखता हूं चतम च मदनम च इमाम च माम च कथा के अनुसार बताना। देखता हूं उस रानी को धिक्कार है, अमर फल खाने को मिला और वो कोतवाल को दे रही है, उस कोतवाल को धिक्कार है, वैश्या को दे रहा है। अपनी बुद्धि किसमें लगा रहा है? वैश्याशम लक्ष्मी अति चंचल धिक्कार है। बुद्धि मेरी काय में लगा रहा है। निकताम चतम च मदनम, उस कामदेव को धिक्कार है, काम के परिणाम को धिक्कार है, क्या इमाम को धिक्कार है सामने। जबकि देखो तो किसको बुरा कहें किसको अच्छा कहें समझ में नहीं आता। इस प्रसंग में देखो, रानी कोतवाल को दे रही, कोतवाल वैश्या को दे रही, और वैश्या के परिणाम कैसे हो गए? मेरा जीवन तो पापमय है, मैं अमर फल खाकर के क्या करूं? यहां का राजा धर्मात्मा है उसको दे।
देखो देशिया का परिणाम पुण्य का परिणाम आ गया। कौन को पुण्य का आया, कौन का पाप आया, कौन का क्या हो, कुछ पता नहीं, कुछ होश नहीं है। कोई खरा कोई बुरा नहीं, बस विविध स्वभाव है। राग द्वेष की ज्वाला में मत जलो भाई, मत जलो। कोई कारण ही नहीं है राग द्वेष करने का। भवितव्य का विचार करने से क्षमता आती ही है, तो मंदिर आती है, नहीं आती ऐसा नहीं है। तुम भवितव्य का विचार करो ना, उदय का विचार करने से आएगी, तुम्हारा अहंकार टूटेगा। तुम उदय का विचार करो। अभी छत चूहा मैं देख रहे थे, देखो जीवंधर कुमार कुत्ते को रमकार मन सुनाने की सोच के थोड़ी गए थे घर से, वे तो जल कीड़ा करने गए थे। लेकिन कुत्ते का भला होनहार था, ये पकड़ लो इसको बेचारे। कुत्ते को उन्हें मालूम भी नहीं था कहाँ कुत्ता कहाँ क्या। नीति लिखी है 500 श्लोकों से ज्यादा, और कथा लिखी है 140 श्लोकों करीब। मतलब कथा कहना ज्यादा बड़ा प्रयोजन नहीं है, कथा के माध्यम से नीति सिखाना। क्यों, जहां नीति नहीं है वहां धर्म कहां से होगा। वहां उस प्रसंग में लिखा, देखो अधार्मिक पुरुष कैसे हैं जिनके हृदय में दया नहीं है। अब कुत्ते को बिचारे को क्या मालूम, भूख के मारे उसने उसमें मुंह डाल दिया सामग्री में, और उन्होंने मार मार करके बाधा कर दिया। हरे रे प्रभु, धिक्कार है। मतलब अधार्मिक पुरुषों के हृदय में दया नहीं होती, ये लक्षण है। ऐसी बढ़िया बढ़िया पंक्तियां लिखी है, तुम पढ़ोगे तो अभी तुम्हें होश नहीं रहेगा। हम क्या करें, पढ़ना नहीं आता ना, रस नहीं है भीतर, अहम है। अहम से पढ़ोगे तो उसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं वे यम के दूत हैं। सोचते रहे हमने क्या लिखा है, जो विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं वे यम के दूत हैं। गुणमाला के प्रसंग में लिखा, गुणमाला जब स्नान करके आ रही थी, उधर से वो हाथी मतवाला चला चला आ रहा, उसके सारे सखी हो सब परिजन अलग हो गए। एक उसकी दासी जो थी सखी, वो ही आ गई, क्या पहले मैं मरूंगी उसके बाद आगे के खड़े हो गए। और तब तक जीवंधर कुमार ने देखा, अकारण बंधु होते धर्मात्मा। धर्मात्मा जीवों को कोई ये नहीं है जी हमारे नातेदार है इसलिए हम इसका सहयोग कर लें। धर्मात्मा जीव दूसरे जीवों के अकारण बंधु होते। और करुणा लिखा, दूसरे की आई हुई विपत्ति को अपने पर आई हुई विपत्ति के समान समझना, यह है धर्मात्मा पुरुषों का लक्षण, यह है दया का लक्षण। दयालु पुरुष ऐसा समझते कि विपत्ति मेरे ऊपर आ, वे आकर के एकदम खड़े हो गए और उन्होंने हाथी को बस में कर लिया, लालित करके हाथी भग गया और गुणमाला की रक्षा हो गई। वहां उस बादवी सूर ने लिखा, अरे देखो तो विपत्ति में साथ छोड़ देने वाले यम के दूत के समान है। मित्र विपत्ति में साथ नहीं छोड़ेगा, संपत्ति में छोड़ दो तो कोई बात नहीं, विपत्ति में नहीं छोड़ोगे। तो निमित्त निमित्त संबंध के विचार कर रहे थे हम कि देखो भी कुत्ते को लंबकार मन सोना ने थोड़ी गाए थे, लेकिन देखा और बस कुत्ते को अजमरा एकदम दया, नींद दुखी जीवों को और मेरे उर से करुणा दया आई, बैठ गए वहां लंबकार मन सुनाने लगे, हाथ फेरने लगे, बचाने का यत्न करने लगे, पानी वानी पिला लगे। लेकिन बचना नहीं था शरीर, कि परिणाम निर्मल हो गए, जाकर के ये छिन्न हो गया। ऐसे ही गुणमाला के लिए भी थोड़ी आए थी गुणमाला को बचाना पड़े। मतलब निमित्त मिलने नहीं पड़ते, निमित्त मिल जाते हैं।
और यदि कषायों की तीव्रता है तो मिले मिलाई निमित्त भी पाप बंध के कारण हो जाते, जो पुण्य के निमित्त है भी पाप बंध के कारण। यहां बैठ करके विपरीत चिंतन करोगे तो यहां बैठ करके पाप बंध होगा, स्थान कुछ नहीं करेगा, मंदिर कुछ नहीं करेगा, मूर्ति को देख करके अगर चुराने का भाव कर दिया किसी ने तो पाप ही तो बांधा उसे। मूर्ति को देख करके चुराने का भाव कर दिया है, भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हुई स्त्री को देख करके काम का परिणाम कर दिया, पाप ही तो बांधा, क्या करेगा बोलो। पाप पुण्य परिणामन सोही कह सदा श्री जिनवर वाणी, ताते परिणामन की सवाल में गाफिल हो मत प्राणी। एक चर्चा और कर दो थोड़ी सी, देखो ये जीव आत्मा कथाय स्वभावी है, आत्मा के आश्रय से कथाय मिलती है, आश्रय से का अर्थ बढ़ो आत्मा के श्रद्धान से, आत्मा के श्रद्धान से, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के विचार से कथा मिलती है। तुम ये विचार करो ये आत्मा है, ये सब और एक भाव अलग है, इसकी जो चेष्टाएं मेरे प्रतिकूल हो रही है मान लो, तो ये तो मेरे उदय का कार्य है और इसके उदय का कार्य, ये उदय कर्म उदय का कार्य है, ये न इसका कार्य न मेरा कार्य, और आत्मा भी निर्दोष है ये आत्मा भी निर्दोष। अब आप करो कथा, क्या करो, ये बीच में आ गया उदय, जैसे भिड़ाने वाले बीच में भिड़ा देते हैं ना, उनमें आपस में बहुत प्रेम है और भिड़ाने वाले ने उल्टी सीधी इससे उनसे भिड़ाई और आपस में द्वेष करा दी, ऐसे ही ये अज्ञान है भिड़ा देता है, उदय बीच में आकर के कर रहा है कर रहा है, अरे भाई तो बहुत अच्छी तरह भोजन कराना चाहती है और ये कितने अच्छे प्रसन्न मन से भोजन करने आया, वो अंतराय कर्म आ गया तो इसने नहीं करने दिया अंतराय, एक तरह अब तुम भाई को कुड़कुड़ाओ या पात्र को कहो जी कैसे ऐसे नियम हो तो कहो छोड़ के चल जाए, अब दिन भर भूखे रहेंगे, होता हम क्या करें, हमारी क्या गलती, अब हो ही जाती है अंधेगी। भाई के इस प्रकार के चिंतन से क्या लाभ होगा और पात्र के इस प्रकार के चिंतन से क्या लाभ होगा बोलो बोलो, अंतराय कर्म का उदय आ गया हम दोनों के बीच में, उसका दान अंतराय का, तुम्हारा पात्र लाभांतराय का, खत्म हो गई बात, समता रखो आगे काम कर, अब जो नियम है उसको है पालो और जो तुम्हारा समय आया उसको तत्व ज्ञान से, मान लो भूखे रह गए तो उस भूख के पीड़ा को मुंडा जैसे परिचय को जीतते छुदा पीता ऐसे ही तत्व के अभ्यास से जीतो, वो आत्मन क्या एक दिन भोजन ही तो नहीं आया। एक ही दिन तो क्या फर्क पड़ता, आत्मा तो न हर और नरक में देखो त्रिवेंश में देखो कैसी कैसी दुख सही क्या है तुम्हारे, क्यों संकलेश करते हो, सभी समय साजी का स्वाध्याय कर तो अज्ञानता त्याजता हूं, कथा इत्याग की बात नहीं कही, अज्ञानता त्याजता हूं, अज्ञान को छोड़ोगे कथाएं अपने आप छूटे और अज्ञान को छोड़े बिना ज्ञानाभ्यास किए बिना सम्यक कुछ नहीं, राग छोड़ने जाओगे द्वेष खड़ा हो जाए, द्वेष खड़ा हो द्वेष छोड़ने जाओगे तो राग खड़ा हो जाए, तो ये अपन कछ नहीं तो अपन राग करने लगे और जरा प्रतिकूल हो गया तो गुस्सा आ गया हटो यहां से भगिया द्वेष खड़ा हो गया। टूटरमल जी कहते हैं ऐसी उदासीनता भी द्वेष रूप है, जैसे तुम उदासीनता मान रहे, उदासीनता नहीं है ये, कथा का भाव नहीं है, कथा का भाव ऐसे होता ही नहीं है, कल कहा था ना जैसे कथा का भाव करना चाहते हो वैसे कथा का भाव होता नहीं और जैसे कथा का भाव होता है वैसे तुम करना नहीं भैया, वो कथाएं का निमित्त बनता, निमित्तों का त्याग करो, निमित्तों के त्याग से कथाएं नहीं मिटेगी, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कथाएं मिटेगी है, ये सब कथाएं के ही निमित्त का छोड़ोगे जी बता, ये कपड़े कथाएं के निमित्त, उस मूढ़ ने तो
अपने गोल तोड़ लिए थे, पैर तोड़ लिए थे, मालूम है तुम्हें? वो मंदिर बन रहा था ना, और पिता उसमें से चोरी कर रहा था। एक दिन उसको बाहर जाना पड़ा दूसरे गांव। लड़के से कह गया, देख काम देखना और इतनी इस प्रकार से इसमें से ला करके घर भेज देना। लड़का वहां पहुंचा, उसने सोचा कोई तो बनवा तो मंदिर और हम यहां से ले जाए, हम नहीं करेंगे ऐसे पाप का काम, हमेशा पाप का काम नहीं करेंगे। कोई तो लगा और हम बम से ले रहे, उसने नहीं किया। दो दिन बाद वो लौट के आया, क्यों वो ईटे वीटे भेजी थी, क्या किया था तुम? पिताजी कोई तो बनवा, दुष्ट कहीं का अपनी पंडिताई बखानता है, गृहस्थी में ऐसे चलता है। हम उसने सुनाई उल्टी कथा की पारी में और गुस्सा आ गया, ये पैर नहीं होते तो काय को जाते, पैर तोड़ दिए। ओ बताओ क्या करोगे, अब बताओ क्या करो। कथा है पढ़ी है? अरे पढ़ी होगी इसमें। अब विचार करो क्या करो, निमित्तों को कहां कहां से हटाओगे? जंगल में क्या निमित्त नहीं है? तुम बैठे ध्यान करने और ऊपर कहूंगे कां 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 कां, अब बता क्या करोगे? अगर बच्चे ने कहा उन्हें, माने तुम्हारी आज की भाषा में टीवी खोल रही या खेलन लगे, उदम करने लगे, तो वो भी तो काँव 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 करने लगा। अज्ञानता त्याजता, हाँ, और निमित्तों में पड़ गए हम फालतू। निमित्तों को करता क्यों मान रहे हो आज भी? परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ते नहीं, तुम्हारे परिणाम बिगड़ रहे तुम्हारी अज्ञानता है। तुम यहां से हट जाओगे, जहां जाओगे तहां परिणाम बिगड़ेंगे। निमित्त तो अब विश्व में भरे पड़े हैं, उपादान और निमित्त ये सब जीवन पर भी। उपादान और निमित्त सबके पास है, जो निज सत्य समा रहे ते पहुंचे भवती। हम तो इन निमित्तों के प्रसंग में एक बढ़िया दृष्टांत याद रखते हैं कि अपन को बचना है तो बचा ले, सामने वाले तो बंद हो गए, चलो आ रहे, वो तो छुआ चलो टक्कर मार चलो आ रहा हो, ऐसा तुम्हें बचने है तो बच जाओ, नहीं बचने तो नहीं बचा। तुम शुद्ध कपड़े पहन करके जा रहे हो, तुम पूजा के लिए आ रहे हो, वो तो चलो आ रहे हो अपने आ रहा, तुम्हें बचना, बन भी ट्रैफिक है, केवल अपना पुरुषार्थ करना और कुछ नहीं करना। कहां जाओगे? अकारण निमित्त बनते, अकारण निमित्त बनते। वो माला की रक्षा होनी थी, आयु कर्म बाकी है, यही लिखा है उसमें। आयु कर्म होने पर रक्षा के निमित्त स्वयं ही बन जाते। वो आयु कर्म कुत्ते का बाकी नहीं था तो जीवंदर कुमार के एक कहां जा रहा है, हेल्थ खराब हो जाए तो रोज करना स्वान बढ़ती है। अज्ञानता से आए छाला पढ़ लो, बहिरातमता ही है जान, बहिर दृष्टि ही है, बहिरातमता ही है जान, बहिरातम है नहीं, बहिरातम है नहीं, जो बहिरातम है जी है, हटाओ जा निकालो। अरे नहीं, बहिरातमता ही है जान, दाल में तिनका आ गया, तिनका फेंकते दाल थोड़ी फेंक देते हैं। बहरा तमता है जहां अज्ञानता त्याजता, निमित्त क्या करेगा? निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, मिल जाते। उस दिन पद्म पुराण में ऐसे बताए थे, कितने बताए थे, ऐसे यहां समझ लो। लक्ष्मण वनमाला की रक्षा करने के लिए गए नहीं थे, वो कल्याण माला की रक्षा करने के लिए गए नहीं थे,
बजकण की रक्षा करने के लिए गए नहीं, सोच के थोड़ी गए चलो बजकण की रक्षा करना, गए और प्रसंग बन गया और रक्षा हो गई। ऐसे जीवंधर कुमार के प्रसंग में हमने देखा, गए थोड़े थे, ऐसे जंगल से निकले चले चले आ रहे थे, जंगल में हाथी जल रहे, आग लग गई जंगल में तो हाथी बिचारे जल रहे, और उनको करुणा भाव आया, बचाने का ऐसा भाव आया कि पानी बरस जाए, तो उन्होंने कहा पुण्यवानों की इच्छा पूरी होती है, और एकदम मूसलाधार पानी बरसा और हाथियों की रक्षा हो गई। अब ग्रंथकार क्या शिक्षा दे रहे हैं इस घटना से, जो घटना घटना पर शिक्षा है, ग्रंथकार कह रहे हैं देखो हाथियों की रक्षा हो जाने से जम्बू कुमार को, जीवंधर कुमार को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ठीक है, अब उन्होंने क्या लिखा, जब काष्टांगार ने उनको फांसी सूली पर बैठाया था तब भी विषाद को प्राप्त नहीं हुए थे, और क्या नाम यच्छेंद्र द्वारा उनकी रक्षा हुई थी तब भी हर्ष को प्रसाद प्राप्त नहीं हुए थे, हाथियों के दुख को देख करके वे दुखी हुए थे और हाथियों की रक्षा देख करके प्रसन्न हुए थे। माने धर्मात्मा पुरुष अपनी आपत्ति विपत्ति में मध्यस्थ रहते, क्या सुंदर शिक्षा दी हो भगवान। धर्मात्मा पुरुष अपने मान अपमान में समता है, अपने हर से अपने संपत्ति विपत्ति में आपत्ति विपत्ति में समता, आपत्ति विपत्ति तो एक ही हो गया, संपत्ति विपत्ति में हैं समता माध्यम से भाव होता है, और दूसरों की आपत्ति विपत्ति में दुखी और मैंने शिक्षा देखो, आप लोग पढ़ते चले जाओ पढ़ते चले जाओ, कुछ पता ही नहीं पड़ेगा क्या। दृष्टि भी चाहिए, दृष्टि क्या नहीं है जी बताओ, है आत्मा है कि नहीं है, आत्मा आनंदमय ही है कुछ और है, आत्मा साम्य स्वभावी है कि नहीं है, वर्तमान में ही कषाय रहित है कि नहीं, विकल्पों से रहित है कि नहीं, फिर विकल्प क्यों, फिर कषाय क्यों, फिर दुख क्यों, आत्मज्ञान के अभाव में। इसलिए कोटि उपाय बनाए छाला, क्या कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो, इसमें लगिया ज्ञानाभ्यास से जहां है जिस परिस्थिति में है वहीं सुखी हो जाएंगे, और ज्ञानाभ्यास के बिना कहीं सुखी नहीं। ज्ञान में शरणम, ज्ञान ही शरण है, ज्ञान ही समाधान कारण। ये उदय हमारा देखो कर्म अंतरंग निमित्त होता है और नोकर्म बहिरंग निमित्त होता है। टोडरमल जी ने इसमें दूसरे शब्द प्रयोग किए, कर्म का उदय जो तो है ना वो प्रबल कारण होता है। हाँ कर्म का जो कारण हो तुम्हारा कर्मोदय है ना वो प्रबल कारण है। जो कर्म का अगर तुम्हारा मोह कर्म का तीव्र उदय न हो तो सामने विकार के निमित्त हो तो भी विकार नहीं होगा, माने क्रोध के समय क्रोध नहीं होगा, मान के समय मान नहीं होगा, लोभ के समय लोभ नहीं होगा, काम के समय काम नहीं होगा, भय के समय भय नहीं होगा। और यदि तुम्हारा मोह का तीव्र उदय है और कारण कुछ नहीं तो भी जरूर भय लगता डर लगता डर लगता डर लगता, प्रबल कारण कर्म है। उस कर्म की निर्जरा का तो उपाय नहीं करते मोही जी, और बाह्य निमित्तों से रोज करते, ये स्वान बत्ती तो इस जीव को स्वान गति में ले जाने वाली है, स्वान बत्ती ही जीव को स्वान गति में ले जाने वाली है। सम्मत बद स्वामी ने शाब्दाचार में क्या लिखा, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप से देव भी एक इंद्रिय हो जाता है, देव भी एक इंद्रिय हो जाता है पाप से, क्या समझते हो तुम पाप। कल्पना लोक में विचरण मत करो, मत करो,
सभी एक पंक्ति पढ़ रहे थे, देखो साधना का अवसर बार बार नहीं मिलता, हर एक को नहीं मिलता है? हर जगह नहीं मिलता, हर समय नहीं मिलता, किसी समय भाव ही नहीं अपने। साधना का अवसर बार बार नहीं मिलता, जो साधना का अवसर पाकर के भी प्रमादी होते हैं सचमुच बेकार है। आगम के अनुकूल चर्या से ही निर्जरा संभव है, साधना संभव है जी। आगम के अनुकूल चर्या से ही साधना संभव है। आगम के अनुकूल श्रद्धा बनाओ, आगम की श्रद्धा और फिर आगम से तत्वों की श्रद्धा। आगम के अनुकूल चर्या से ही साधना संभव है। गुरुजनों के अनुशासन में ही साधना संभव है, कुसंग में नहीं। एक लक्ष्य बनाओ, उसके लिए हर समय बोई, हर समय एक धुन रहना चाहिए। सेवा, लक्ष्मण क्या कहते हैं, पहले तो आई गुस्सा लक्ष्मण को, क्या क्यों आई गुस्सा बता, पिताजी ने कोई बात न्याय की करी, राज्याभिषेक की घोषणा हो गई, सब तैयारी हो गई राम की, और बस वो स्त्री के कहने से। अब देखो जब गुस्सा आई तो मां नहीं दिखी स्त्री, मां नहीं दिखी स्त्री, स्त्री कहने से मतलब भक्त को राज्य कोई बात हुई, नेक नेक देर बाद बदल गए, चाकच कहते चाकच कर रहा हूं, धर्मानी मनमानी है जो कोई, थोड़ी देर में शांत हो गई। अब देखो एक और तो वो गति वाली चल रही थी तो क्षण क्षण में गुस्सा आती थी, लक्ष्मण की चरित्र से हमने देखा क्षण क्षण में घर से, सीता के प्रसंग में भी छड़ से तलवार फेंकती, कौन कहता है तलवार जिभ्या काट लेंगे, मैंने क्षण क्षण में गुस्सा आती थी। इधर सलाह का पुरुष है ना तीर्थंकर होने वाला, तो उधर वो तुरंत रोकती थी। फिर क्या लिखा पद्म पुराण कार ने, न्याय अन्याय हमारा बड़ा भाई राम जाने, हमें अधिकार दे किसने दिया कि हम न्याय अन्याय की सोचने लगे, हमारा काम तो सेवा करने का है, तो राम यहां रहते तो यहां सेवा करेंगे, जंगल में जा रहे तो जंगल में सेवा करेंगे। हमारा काम तो राम की सेवा करना है बस, ऐसे होती है सेवा। निष्प्रयता, निर्भयता, निष्प्रयता, निर्भयता, एकांतवास, निष्प्रयता, निर्भयता, एकांतवास और उपयोग की एकाग्रता, सूक्ष्मता, ये है। अगर तुम भीतर से निष्प्रय ही नहीं हो तो बहुत बेकार, बहुत परेशान होगे, बहुत परेशान। और निष्प्रयता काय से, ये ख्याति लाभ पूजा आदि क्या, त्रियंचों को पूछ होती है, पूछ काट देना चाहिए, बिल्कुल काट देना चाहिए। पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो ठीक है, कहा तो ठीक है, नहीं कहा तो ठीक है, पूछ काट दो। निष्प्रयता मैंने ख्याति लाभ पूजा दिखी, चाह नहीं होना, विषयों की चाह नहीं होना वो तो अलग बात है। बहुत सूक्ष्मता से स्वाध्याय करो भैया, स्थूल स्थूल नहीं चलेगी। इतनी हल्की रटने से और
फूलने से कुछ नहीं होगा। अभी हम सवेरे अनर्थ दंड के संबंध में विचार कर रहे थे थोड़े से, नहीं देखो अब ध्यान देखा, अब ध्यान का मतलब इतना नहीं काऊ की जहना किसी यार के अंदर, बस हो गया अब ध्यान। अब ध्यान माने खोटा ध्यान, समस्त आर्तर ध्यान का विचार कर लेना चाहिए और फिर आर्तरौद्र के भेदों का विचार कर, विषय कषायों विषयों का चिंतन करना अब ध्यान है, विषयों की सामग्री मिलाने का, विषयों को भोगने का, जो भोग विषय चले गए वियोग हो गया उनके लिए रोने का दुखी होने का, ये सब चिंतन आर्त अब ध्यान है पूरा। सब गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, अब ध्यान है ये, अब ध्यान क्यों है बोलो, अब ध्यान अनर्थ दंड है तो अनर्थ दंड क्यों है, इस गर्मी बहुत 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 कहने से गर्मी कम तो हो नहीं जाए और तुम्हारी सहन शक्ति तो बढ़ नहीं है, अब मतलब क्या है इस लोक की भी माने कोई प्रयोजन की सिद्धि तो होती नहीं इसे, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, तो है बस अब जो कुछ वैसे है उपाय करना चाहिए, उपाय है धूप में मत खेलो और काम करने मन निकलने जाना है तो अपने पानी पी के अंगोछा बांध के भाई साहब से अपने जाओ, मान लो जाने पड़े तो अब जाने पड़े तो जाने पड़े, भैया बहुत धूप है काय को काम कर रहे हैं, महाराज खाएंगे का धूप है तो है क्या करें खाएंगे का, अपने उसका ध्यान रखो भाई बस इतना कर सकते हो, अब है तो है आगे पीछे कर लो, सवेरे जल्दी काम कर लो, संध्या को जल्दी काम, देर से काम करो, बीच का काम गैप कर लो, लेकिन बहुत है बहुत है बहुत करने से क्या हो जाएगा जो बताओ, बहुत बुखार है बहुत बुखार है, अब क्या करो बहुत बुखार, अरे ज्यादा बुखार में क्या दवाई नहीं डॉक्टर कोई है, अरे तो पट्टी डाले, माने जो कर सकती हो सो करो, जम सकते ही कम की रही क्यों भाई, और नहीं माने कुछ नहीं सूझ रहा कुछ नहीं हो रहा तो ठीक है भगवान का नाम ले, अपाय कहा है बोलो, लेकिन इस प्रसंग से शिक्षा तो लो, आगे इस प्रकार के प्रसंगों में अपना तात्कालिक इलाज करना सीखो तो चली गई, फिर बापा मस्त हो गए और फिर जब आए गए तो फिर रोने लगे, नहीं कम हो गई तकलीफ तो फिर अपने मस्त हो गए, फिर नहीं कहा कि सोना है फिर नहीं सोना है और फिर कोई आपत्ति आई तो फिर रोने लगे, ये कौन सा तरीका रहा। तो अब ध्यान का मतलब खाली काऊ की धनान किसी यार चिंता, इतनी इतने सामान्य अर्थ से अब ध्यान नहीं मिट जाएगा, विषयों का जितना चिंतन है वो अब ध्यान है, विषयों की सामग्री प्राप्त करने का, विषयों को भोगने का, गए हुए विषयों को याद करने का है, उनके लिए दुखी होने का चिंतन है, सब अब ध्यान है। और उससे उसके संबंध से स्त्री पुत्र धन आदि से प्रीति करने में स्त्री होती, काय के लिए स्त्री कर रही, पुत्र होता पिताजी होते शरीर में ताकत होती, काय के लिए तुम कर रहे कर काय के लिए जो बता, पैसा होता तो मतलब ये सब चिंतन कहते हैं अप ध्यान है, ये विस्तार आपको करना सीखना होगा। देन सो उपदेश हो अगवनज कृषि से, और तुमने सोच लिया देखो हम खेती का उपदेश देते नहीं व्यापार का उपदेश देते नहीं तो हमारा आप ध्यान अनर्थ ध्यान खत्म हो गया, ऐसे नहीं काम चलेगा। पापोपदेश में पांच पाप का उपदेश है भाई, विषय कषाय पाप है तो विषय कषाय का उपदेश, हिंसा का उपदेश झूठ, ए तू ऐसा कह दिए तू ऐसे बहाने बना देना, झूठ बोलने का उपदेश माता पिता झूठ बोलना सिखा देते, चोरी करने का उपदेश तू वहां से उठा ला वो उठा ला,
विवाह करने का उपदेश, व्यापार का उपदेश, खेती का उपदेश, लड़ाई झगड़े का उपदेश, मतलब अपोपदेश का मतलब खर्च, बस खाली देने से उपदेश होगा, बने किसी से बस हो गया काम। और तुमने सोच ली बस हम बहुत बड़े पंडित जी हो गए और बहुत हमने लोगों को इकट्ठो कर लो, बहुत ज्यादा लगा दो सब जनों को। सोचो भाई वह है, इसलिए वहां तक उपयोग ही नहीं पड़ता। झाड़ू लगाई हो तुमने, ऐसी ऐसी झाड़ू लगा दी, अब वो कोने में क्यों रह गई, वहां तक झाड़ू पहुंची ही नहीं, तो वहां तक तुम्हारा उपयोग पहुंचा ही नहीं जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। ये जहर वहां तक पहुंचा ही नहीं है। पार्श प्रभु को क्रोध क्यों नहीं आया, नहीं अंतर तक पहुंच सका भी, अंतर गुप्ती धारी जो उपसर्ग था कमट का, वो भीतर तक पहुंचा ही नहीं पाया। गे मात्र ही रहा कमट किंचितन शत्रुता आई, मेरा पार्श प्रभु अंतर में देता मुझे दिखाई। भाजपा की हम भयभीत होते हैं, क्षमा भी मांगते हैं, क्षमा भी करते हैं, लेकिन लेकिन वो जो जो अंतर की अभिप्रति है, अभिप्राय है, वो जो सक, जैसा का तैसा रहता है। अभिप्राय में जो वासना है उसको नहीं निकाल पा रहे। बिल्ली नहीं निकालती पानी, वो लीच रहे रोज लीच रहे रोज लीच रहे, व्यवहार प्रतिक्रमण आदि करते। तुमने कहा आगम के अनुकूल चर्या, मैंने आगम के अनुकूल विचार करो, तुम विपरीत विचार आते हैं मोह के उदय से। हमने उस दिन कहा था देखो मोह की तीव्रता विकल्प तो आएंगे, जैसे असाता के उदय में रोग तो आएंगे, इलाज करते हैं कि नहीं करते, ऐसे ही मोह की तीव्रता में विकल्प तो आएंगे। अब आप इलाज करो, ये तो विपरीत विचार कर रहे, दिखा कर रहे तुम, दिखा सोच रहे, इससे क्या हो जाएगा, ऐसे अनर्दनों में घटाना पड़ेगा आप। और ये पढ़ाई आपको सोचना पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। परमाचर्य, परमाचर्य माने कर परमा जल भूम वृक्ष सावग्न विराज, बस परमा से पंखा खुला छोड़ देना, पानी खुला छोड़ देना, पानी खुला छोड़ देते हो अभी भी, क्यों अभी परमात्म में हिंसा में परमात्म प्रणति मूल है ये समझ में नहीं आया, अभी इसका नुकसान समझ में नहीं आ रहा। सामने देख लो अभी तो हे डांग दे पंडित जी नाराज होंगे, इसलिए बस अभिप्राय खोटा है। स्वाध्याय में आकर के बैठो, उससे पहले पूरी निश्चिंतता थोड़ी हो जाए, कपड़े बाहर हो तो भीतर करिया, बादल आ जाए, चाहे बीच में पानी बरस सकता है, चाहे कुछ हो सकता है, सामान उठा करके रखिया सब करो, अब आकर के बैठो, बस बैठो जी बैठिए। अगर पूर्व से योजना तो बनानी पड़ेगी, बिना योजना नियोजन तो नहीं, बिना नियोजन के तो नहीं काम होगा। परमाचर्या विवेक रहित अयत्नाचार में प्रवृत्ति करना, क्या यहां मटी खोदने लगे, क्या यहां पटक दी गंदगी फैलाना, सफाई स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, यत्नाचार के बिना, यत्नाचार के बिना वस्तुओं को उठाना धरना, कपड़े उठाए और फेंक दे वो खुड़ी उठा लिया, उठा के पटक दिया, बर्तन लिए खींच लिए, कुर्सी चौकी लिए खींच लिए, ये बाहर के प्रमाद है, प्रमाद चर्या कोट है भैया, हम बनेंगे यार। ये प्रमाद चर्या अव्यवस्थित, चाहे जो वस्तु छोड़ देना लापरवाही से,
पृथ्वी का एक जब लिखा ना तो फिर जल का है, जल फालतू बर्बाद करना, अग्नि आग लगा देना, आग लगा दी कूड़ा कचरे कटो आग लगा दी, जल्दी से चूल्हा में आग लगा दी, जल्दी ला करके जला दी, एक भगवान जान की बात। बिना देखे बिना सोधे के है, बिना देखे बिना सोधे प्रवृत्ति करना, ये परमाचर्या है। अब पानी नहीं आएगा, पानी रात में ही आएगा तो रात ही में कपड़ा धोने लगे, रात ही में धोने लगे, वो देख रहा हूं मैंने इसको दिखा, धर्मात्मा दिखाने का शौक है, बनने का की परवाह नहीं, धर्मात्मा दिखना चाहिए हमें, तो वेश बनाने की जल्दी है, क्रिया करने की जल्दी है, लेकिन परिणामों की ओर उपयोग नहीं। अग्नि काहे का गया, आग लगा देना, बिना छोड़े अग्नि गए, बिन देखे अग्नि जलाई, पृथ्वी खुद कराई, बिन गालियो पंखा से। देखो सबने लिखे के एक लिखा, बोलो सब लिखेगी एक लिखा परमात्मा, हा हा परमात्मा आई, जब परमात्मा हुआ तो क्या क्या कैसे कैसे काम हुए, कपड़े धोए उठा कर पानी फेंक दिया उठा, अब चीटी थी क्या थी क्या नहीं था उठा करके फेंक दिया, ये डाल। कई लोग सूखी फर्शों पर भी वो साबुन के पानी भर, इतने बुरे दाग पड़ जाते हैं, ऐसा गंदा लगता है, वो हम सूखे में डाले। सूखे में डालने का मतलब क्या है, ये क्या मतलब, एक कपड़ा दो कपड़े एक्स्ट्रा रखो, साबुन कम लगाओ, पहले साफ कपड़े धो लो, बाद में मैले दो, एक कपड़ा बाद का ऐसा हो उसको निचोड़ दो तो उसमें साबुन का अंश ना रहे, कम रह जाए, नहीं के बराबर, फिर उसका उपयोग करो। और मैले का मैला पानी अगर इस तरह के फर्शों पर डाल दोगे, छत पर चाहूंगा, तो बुरे दाग पड़ेंगे। तो अब क्या करें, शहर में मत रहो जहां पानी जहां जगह ही नहीं, तो अब क्या करोगे, तब क्या करें बताओ। अरे मुनिराज जंगल में काय गए, बताओ अहिंसा की प्राप्ति के लिए, पूर्णता के लिए तो गए, और का कब दिखावे करे गए का, निमित्त तो वहां भी पाप के हैं और धर्म के, निमित्तों से धर्म और पाप नहीं होते। पंखा कूलर कूलर व्यर्थ फालतू खोल देना, कितना अनाथ दंड है। पानी वैसे कमी कमी के लिए चिल्लाएंगे और नेक जरा आ जाए तो ऐसे गलेजम से पानी फैलाएंगे पूरा फैलाएंगे। आज भी मतलब हिंदुस्तान की यही दशा है, वैसे रोना रोएंगे। वनस्पत काय कहे थे, पानी में डीला फेंक रहे बैठे बैठे, वनस्पति को छेदना भेदना फालतू है, डलिया में धरी छोड़ दी, मां डाल दी, सड़ गई, उधर फेंक दी, ही पड़ गए, क्या है ये सब परमाचर्या। अब सोचो, अब तुम लगाओ कि हमारी परमाचर्या कितनी, अब समझ में आएगा। ये तो थोड़ा लिखा बहुत समझने की बात है, क्यों सूत्र संक्षेप होता है ना, उसका व्याख्या विस्तार तो करना पड़ेगा तुम्हें। हिंसादान, हिंसादान माने केवल वो कुलाड़ी फुलाड़ी नहीं दे, अरे हिंसा के कारण अस्त्र शस्त्र है, हिंसा के कारण छुरी फुरी है, हिंसा के कारण सो भी दया सोने अविवेकी लोगों को नहीं देना, क्यों श्रावक की भूमिका में परस्पर में देना लेना बनता है। व्रत का अभिप्राय ये है, उसके द्वारा जहां हिंसा होती हो, एक तुम हमें लठिया दियो हम देखा जैसा आपको, तो लठिया नहीं देंगे। तो हमें रसी दो फिर हम देखा जाए, नहीं देंगे रसी है नहीं हमारे पास। मतलब अभिप्राय क्या है, जिसके द्वारा हिंसा का
पिंठा नहीं कराना। दुश्रुति विषय कसायों की चर्चा मत सुनना, दूसरों की निंदा मत सुनना, महापुरुषों का वर्णवाद मत सुनना। जनक जी ने ऐसे जिन भूमि गोचरियों में तीर्थंकर होते हैं उनकी निंदा ये कर रहे हैं जी विद्याधर, हमारे लड़के के साथ सीता के विवाह करो, क्या भूमि गोचरियों से कर रहे हैं। हा हा, ऐसे महापुरुष जहां उत्पन्न होते हैं उनकी हमें निंदा सुननी पड़ रही है। निषेध न करना अवर्णवाद का, झूठे दोषारोपण का निषेध न करना, वहां से हटना भी नहीं, रस ले करके सुनना, ये दुश्रुति नाम का अनर्दन है। अब जे हम मतलब उसका चिंतन भी नहीं करते, व्याख्या भी नहीं सोचते, बस हमने छह डाला पड़ी हो गया, साहब का चार पड़ा हो गया, वे रहेंगे ही वही बातें, वो कूड़ा वहीं का वहीं रह जाएगा। तुमने झाड़ू तो इधर लगाई, वहां पहुंची नहीं झाड़ू, तुम्हारा उपयोग पहुंचा ही नहीं है वहां। हमने एक कई बार आपको बताया आलू में क्या दोष है, अनंत जीवों का घात होता है, वो भी दोष है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दोष है, लेकिन दोष क्या है, ऐसे अनंत जीवों के घात पूर्वक भी अपनी दिव्या इंद्री का पोषण कर रहा है, उससे तेरे परिणाम में कितनी कठोरता क्रूरता है, कितने परिणाम में कठोरता। टोटरमल जी ने लिखा दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, यह तीव्र कसाय का चिन्ह है। दूसरे के दिल को दुखा करके अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहता। रायचंद व्यापार कर रहे थे, भाई दूध पी सकता है, खून नहीं, हमें नहीं, घाटा हो रहा है, हम नहीं जान, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। खुद पहुंच गए उस व्यापारी के पास और खुद एग्रीमेंट को फाड़ दिया, नहीं रायचंद दूध पी सकता है, तुम्हारे बाल बच्चे क्या करेंगे। उसको ऐसे पहुंचा दिया, ले जा भाई, घबराओ मत। अनर्थचंद मैंने किसका नाम है, न अर्थम अनर्थम, अब अर्थ का यहां अर्थ क्या करना पड़ेगा चरण में, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि नहीं होती हो, अर्थ का मतलब ये चार पुरुषार्थ यहां लेना पड़ेगा, तब आप वो चरणन योग का वहां सांगोपांग अर्थ कर पाओ, नहीं तो नहीं कर पाओ। आत्मा है जैसा है वैसा ही है, नहीं मानो तो भी है। एक भाई बोल रहा था कि महाराज आत्मा भगवान है, मान ली तो भगवान हो गए, तो हम नहीं तो उन्हें माने ही तो लोग, हम ग्रस्त हो गए तो ग्रस्त हो गए का, हम पैसा वारी हैं तो पैसा वारी हो गए का, अरे पैसा भिन्न है कि नहीं है जो बता, मानने से नहीं होता जब तुम कह रहे हो, तो तुम्हारी विपरीत मानने से विपरीत कैसे हो जा रहा। हमने कि बेटा शांति से सुनो, शांति से सुनो, तुम कहते हो मान ली तो का हो गई, हम कहते नहीं मानो तो भी है, आत्मा तो भगवान है तो है। और एक छोटे बच्चे का भी अनादर करना आत्मा भगवान का अनादर करना है। ये अन्य मतों में कहते थे ना भगवान को रूप है ये बच्चा, अरे भगवान का रूप है माने इनके भीतर भगवान है, अब वो भाषा नहीं जानते बेचारे, ये भगवान को रूप माने भगवान का अनादर करना, किसी जीव का अनादर करना। जैन शासन में कहें तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है, आत्मा है। इसी को आप अपनी भाषा में कह देते हो तो है कि आकार तो करो, है आकार नहीं करने से तब क्या होगा, और ऊपर ऊपर से आकार, हाँ है ऊपर ऊपर से आकार नहीं, भीतर से आकार आती है,
ऐसे भीतर से जब स्वानुभव हुआ तब भीतर से हकार आती, हाँ इदम एवेदतम चैव, तब होता है मोक्ष मार्ग। कैसे परिचय जीते जाते हैं, कैसी ग्रस्त भूमिका में भी कितनी क्षमता और कैसी क्षमता होती है ग्रस्तों में, कैसे रानियों के बीच में जम्बू कुमार निर्विकार रहे होंगे, तुमको आश्चर्य करता। हाँ एक शब्द ये भी आया छत्रचूड़ा मणि, क्या नाम, वो जीवंधर कुमार को इस प्रकार की चेष्टा देख करके, इस प्रकार की मन, जैसे मान लो हाथी के प्रसंग में वर्षा हो गई, वो प्रसंग हमें याद नहीं रहा, हाथी के प्रसंग में वर्षा हो गई, होने की वर्षा हो जाए, हाथियों की रक्षा हो जाए तो वर्षा हो गई, रक्षा हो गई, तो जीवंधर कुमार को किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ, ये कहा, ये भी नहीं खा सकता, उनको आश्चर्य नहीं हुआ, वाह आनंद होता है धर्म फल में, आनंद होता है धर्म धर्म के फल में आनंद होता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होता। स्वरूप भाई इसमें क्या बात है, तुमने नहीं मानी हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, तुमने मान ली हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है? उसको दवा दी रोग ठीक नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं है, क्यों अथाता कर्म का सी बोल रहे हैं, रोग दवा क्या करेगी, कुत्ते को रमकार मन सुना है और कुत्ते की देह नहीं बची, कुत्ता मर गया, कोई आश्चर्य नहीं है, हाई पूरी हो गई क्या करें होता, गुणमाला की रक्षा हो गई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो गई, उसकी आयु बाकी, मैंने वस्तु का स्वरूप आनंददायक है, केवल आश्चर्यदायक नहीं, विस्मय एक दोष है, आनंद एक स्वभाव गुण है, विस्मय दोष है, अठारह दोष हम खूब साधना करो भाई, साधो अपने उपयोग को, कभी कभी वैसे ही अभिमान में या क्रोध में कहा हम कौन कौन को साधत रहे, अरे सबको साधो भैया, कौन कौन को नहीं साध, तुम अपने उपयोग को साध लो, सब सज जाएंगे, हम कौन कौन को साध के रखे, हमारी बात की नहीं है, मर जाओ नहीं, नहीं बोलने मत बोलो, नहीं खाने मत खाओ, मरने मर जाओ, ये ऐसी क्यों बोलती है, ऐसी क्यों बोलती, क्या बात क्या, क्यों ऐसी मैंने इस प्रकार से क्यों सोचते हो, ये आगम के अनुकूल है नहीं है तो फिर क्या बात है, फिर तुम कैसे सुखी होना चाहते हो बताओ, आगम के अनुकूल चेष्टा पूर्वक ही, चर्या पूर्वक ही साधना संभव है, निजरा संभव है, संबर संभव है, सम्यक तो संभव है, आत्मा आगम के प्रतिकूल चलते हुए कुछ भी संभव नहीं, यदि यह प्रतिनिकानी भवंती भव पद्धति, संसार है आगम के प्रतिकूल, व्यवहार से आगम, निश्चय से आत्मा, ओम नमः।